अनंतनाग में आतंकी हमला। रावलपिंडी में प्लानिंग। और इस्तांबुल से ऑर्डर। आखिर क्या अनंतनाग टेरर अटैक भारत की G20 पर सफलता पर पाकिस्तान की बौखलाहट का नतीजा है? क्या तालिबान के हमले से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने ये हमला करवाया? आखिरकार अनंतनाग हमले के तार रावलपिंडी, इस्तांबुल और पीओके से कैसे जुड़ रहे हैं? अनंतनाग में हुए भीषण टेरर अटैक की एक एक कड़ी जुड़ती जा रही है, एक एक सच सामने आता जा रहा है। ये हमला क्यों कराया गया, इस हमले की प्लानिंग कैसे हुई, इस हमले के पीछे कौन है, इस हमले के तार पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से कैसे जुड़ रहे हैं? आज हम इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे लश्कर-ए-तैयबा ने अपने चेहरे बदल कर इस पूरे हमले को अंजाम दिया। तारीख 8 सितंबर 2023, दिन शुक्रवार, जगह रावलकोट, पीओके। वो जुमे का दिन था, लोग रावलकोट की अलकुदस मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए आ जा रहे थे। इन्हीं नमाजियों में से एक था रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम, लश्करे तैयबा का टॉप कमांडर, जो कि उस दिन मस्जिद के इमाम के पास ही ठहरा हुआ था। जैसे ही रियाज अहमद नमाज पढ़ने पहुंचा, वो सजदे के लिए झुका ही था कि उस पर नमाजी बनकर आए कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज वहीं ढेर हो गया। बाद में मीरपुर जिले में उसका जनाजा निकला। 8 सितंबर को लश्कर के टॉप कमांडर रियाज अहमद को किसने मारा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन रियाज की हत्या के बाद एक खतरनाक साजिश बुनी गई, जिसका अंजाम अनंतनाग हमले के तौर पर 4 दिन बाद सबके सामने आया। अनंतनाग जिले के कोकरनाग के ऊंचाई वाले इलाके में हुआ वो भयानक आतंकी हमला, जिसमें भारतीय सेना के एक मेजर आशीष धौचक, सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर के ही पाले पोसे आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ले ली है, जिसका सबूत है ये प्रेस नोट। अब सवाल ये, लश्कर कमांडर रियाज अहमद की हत्या का अनंतनाग के आतंकी हमले से क्या कनेक्शन है? क्या लश्कर-ए-तैयबा ने रियाज की हत्या का बदला लेने के नाम पर ये आतंकी हमला करवाया? दरअसल अनंतनाग हमले से 4 दिन पहले लश्कर आतंकी रियाज अहमद मारा तो गया पीओके में, लेकिन उसकी खलबली मची पाकिस्तान में। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी और ISI के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में उस दिन बड़ी हलचल मची थी। हाफिज सईद के हेडक्वार्टर मुरीद के में तो मातम ही छा गया था। पाकिस्तानी फौज काफी दिन से जम्मू कश्मीर में किसी बड़े हमले की साजिश रच रही थी। अभी माना जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने तहरीके तालिबान के हमलों से ध्यान हटाने के लिए साजिश रची है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में TTP ने 3 हमले पाकिस्तानी आर्मी पर किए हैं। पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 2 हफ्ते पहले ही पीओके का दौरा भी किया था। ये उसी दौरान का वीडियो है जब जनरल आसिम मुनीर झेलम में एक फौजी ड्रिल देखने के बहाने मीरपुर, रावलकोट और मुजफ्फराबाद गए थे। इन इलाकों में पाकिस्तानी फौज के आतंकी कैंप भी चलते हैं। पाकिस्तानी फौज पीओके से जम्मू कश्मीर पर आतंकी हमले पर फाइनल मुहर लगाने ही वाली थी कि तभी रावलकोट में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर रियाज अहमद की हत्या ने उसको एक मौका दे दिया। आतंकी रियाज अहमद की हत्या को पाकिस्तानी फौज और ISI ने भारतीय एजेंसियों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आतंकी रियाज अहमद जम्मू कश्मीर के राजौरी में 1 जनवरी को हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। उस हमले में राजौरी के ढांगरी गांव के 5 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। तभी से भारतीय एजेंसियों को रियाज अहमद की सरगर्मी से तलाश थी, लेकिन वो पिछले हफ्ते ही 8 सितंबर को पीओके की मस्जिद में मारा गया। आतंकी संगठन TRF ने अनंतनाग हमले को रियाज की हत्या का बदला बताया है। TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर-ए-तैयबा की एक ब्रांच है जो कि जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। TRF को लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को कवर देने के लिए ये इसलिए बनाया गया ताकि भारत में होने वाले आतंकी हमलों में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम ना आए। लातों की भूत बातों से नहीं मानते, ये बहुत पुराना सबक है।
और इसको बार बार नहीं सीखना चाहिए। पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम में आइसोलेट करने की जरूरत है, पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आना चाहिए कि वो आतंकवाद को बढ़ावा ना दे पाए। मैं अब जरा अनंतनाग हमले की टाइमिंग पर गौर कीजिए। ये हमला एक ऐसे वक्त पे हुआ है जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तुर्की पहुंचे हुए थे। जैसे ही जनरल आसिम मुनीर ने तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में कदम रखा, उनकी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात हुई। इधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पाकिस्तानी फौज के इशारे पर लश्कर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले के बाद लश्कर के प्रॉक्सी आतंकी ग्रुप TRF ने हमले की जिम्मेदारी लेने में भी देर नहीं की।